नमस्कार, टेकीपॉइंट में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं इंडिया के बारे में, इसरो के बारे में। तो आज इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रख दिया है, जी हाँ, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो क्या क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। तो इसरो ने, जो कि इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, इसरो ने 104 सेटेलाइट एक ही व्हीकल में छोड़ दिया है। जी हाँ, एक ही बार में वो 104 सैटेलाइट छोड़ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था रूसिया ने बनाया था 37, और उससे पहले भी इंडिया ने छोड़ा था, लेकिन 22 सैटेलाइट एक बार में छोड़ा था। लेकिन इस बार इंडिया ने रिकॉर्ड कर दिया है, और आज सुबह का 9:28 में ये छोड़ा गया था, और एक बार में 104 सैटेलाइट छोड़ दिया है। और इन जो 104 सैटेलाइट है, इसमें जो हाईएस्ट है सबका यूएस का है, 96 है, और सबसे बड़ा जो वजन में जो बड़ा है उसको वो इंडिया का है, कार्टिस सीरीज का, 2 सीरीज का ये सैटेलाइट है। और ये जो सैटेलाइट इंडिया छोड़ा है, ये क्या काम करता है? तो ये बेसिकली वेदर या हमारे जो कि आर्मी के लिए बहुत ही हायर जो कैमरा, वहाँ से जो फोटो आते हैं वो सब उठा के ये दे सकता है, और ये बहुत सारे काम अलग तरह के ये कर सकता है। तो टोटल 104 से 3 है इंडिया के लिए। जी हाँ, टोटल 104 सैटेलाइट छोड़ा है, उसमें 3 है इंडिया के लिए, और उन तीनों में से कार्टोस सीरीज का जो 2 है वो उसका जो वजन है 730 किलो के आसपास उसका वजन है, और वो हाईएस्ट उसका जो वेट है, सबसे हाईएस्ट वेट वाला वो है। और बाकी जो है बहुत सारे नानो सैटेलाइट भी है, लेकिन एक बार में 104 सैटेलाइट इंडिया ने छोड़ के एक रिकॉर्ड बना दिया, और उसमें से 3 इंडिया के हैं और 96 जो है यूएस का है, और बाकी जो बचे उसमें से एक इजराइल का है, एक नदरलैंड का है, एक स्विट्जरलैंड का है, और एक कजाकिस्तान का है, और जो एक है वो यूएई का है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट का और एक सैटेलाइट है। अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी S8 का ऑफिशियल लॉन्च के बारे में कुछ यहाँ पे खबर आ गया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग 27 फरवरी को MWC के अंदर कुछ उसका डिवाइस लॉन्चेस करेगा, और उसके साथ वो उसका डेट भी, सैमसंग गैलेक्सी S8 का ऑफिशियल डेट भी रिवील कर देगा। तो ये खबर थी सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में। अब बात करते हैं सैमसंग का J5 के बारे में। तो सैमसंग का J5 2017 मॉडल वाईफाई सर्टिफिकेशन के अंदर स्पॉटेड हो गया है, और ये पहले भी JPEG के अंदर स्पॉटेड हो गया, तो वाईफाई सर्टिफिकेट के अंदर स्पॉटेड हो गया है। और क्या कुछ वहाँ से पता चलता है? तो वहाँ पे उसका मॉडल नंबर पता चल जाए, जो है SM J5 30 FM उसका मॉडल नंबर है। और क्या कुछ पता चलता है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है मास मेलो, और कुछ इसके बारे में ज़्यादा अभी तक बताया नहीं गया है। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल ने आज US में एक पेटेंट फाइल कर दिया है फिंगरप्रिंट के ऊपर, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है ये ऑन स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट हो सकता है। जी हाँ, जो सेंस आईडी की तरह काम कर सकता है। तो शायद से जो आईफोन 8 आने वाला है, या फिर आगे जो आईफोन आने वाला है, उसमें आपको होम बटन देखने को ना मिले, क्योंकि होम बटन में ही फिंगरप्रिंट एप्पल का रहता है, और ये शायद से होम बटन को हटा देंगे और स्क्रीन में शायद से फिंगरप्रिंट रखेंगे, ऐसा कुछ इस फोटो से पता चल रहा है। आप देख सकते हैं फोटो, और ये एक पैटर्न फाइल कर दिया है एप्पल ने। तो जैसे कि कल मैंने बताया था, नोकिया ने MWC के अंदर नोकिया 6 ग्लोबल वर्जन के साथ और 3 फोन लॉन्च कर सकता है, नोकिया 5, नोकिया 3 और 3310। तो इसमें से नोकिया 5 को आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया था। तो आज पता जो कुछ रूमर आया है नोकिया 3 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन की बात करें तो 5.2 इंच का यहाँ पे आपको 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का 425 प्रोसेसर मिलेगा इसमें आपको। रैम रोम की बात करते हैं तो 2 GB की रैम मिलेगा, 16 GB की स्टोरेज के साथ आएगा, और यह एक्सपांडेबल भी हो सकता है। अब बात करते हैं कैमरे के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 13 और 5 का कैमरा कॉम्बिनेशन मिलेगा, एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर ही आएगा, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर बताया नहीं गया है। और इसको कीमत की बात करें तो 10,000 के अंदर इसका कीमत हो सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब बात करते हैं MEIZU के बारे में। तो MEIZU ने चाइना के अंदर MEIZU M5S लॉन्च कर दिया है, तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं, 5.2 इंच का यहाँ पे आपको 720p डिस्प्ले मिल रहा है विथ 2.5D ग्लास के साथ ही ये आ रहा है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो MediaTek का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है। रैम रोम की बात करें तो 3 GB की रैम मिल रहा है यहाँ पे आपको, और ये स्टोरेज वेरियंट 2 में मिलेगा, 16 GB 32 GB, तो 2 स्टोरेज वेरियंट में ये आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें कैमरे के ऊपर, तो 13 और 5 का कैमरा कॉम्बिनेशन है, 13 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, एंड्रॉइड मास मिले के ऊपर आएगा, और बैटरी की बात करते हैं तो 3000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा। और कीमत की बात करते हैं तो 16 GB जो वेरियंट है उसका कीमत लगभग 7,800 रुपये रखा गया है इंडियन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, और जो 32 GB वेरियंट है उसका जो कीमत रखा है 9,800 रुपया।
अब बात करते हैं आज का आखिरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आखिरी टेक्नोलॉजी उबर की तरफ से है। तो उबर ने स्टैंडर्ड ऐप लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड वेयर 2.0 के लिए। जी हाँ, एंड्रॉयड वेयर 2.0 के लिए वो लॉन्च कर दिया है स्टैंडर्ड ऐप। तो ये ऐप कैसे क्या है, कहाँ पे काम करेगा? तो जो एंड्रॉयड वॉचेस है, जी हाँ, जो जो स्मार्ट वॉचेस है जो एंड्रॉयड वेयर ओएस में चलते हैं, यानी कि जैसे कि आपका मोटो 360 हो गया और एसुस का भी, ये सब एंड्रॉयड ओएस में चलते हैं। तो इसमें आपको ये उबर एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब ये इंस्टॉल करेंगे या ये कैसे काम करेगा, तो हमेशा आपको ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई के जरिए आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा, आपका मोबाइल को कनेक्ट रखना पड़ेगा उस वॉचेस के साथ, तभी ये काम करेगा। तो बस आज के टेक्निक में इतना ही। टेक्की पॉइंट के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो बड़ा सा लाइक दीजिए, और इसी तरह टेक्निक रोजाना देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिलेगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।